प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आपका प्रभातखबर.com में स्वागत है। दुनिया में कोरोना वायरस से 23 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, 1,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा खराब हालत अमेरिका में है। अमेरिका में 7,38,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 39,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि कोरोना संकट के बीच अमेरिका ने चीन को परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली है। यदि वे जानबूझकर जिम्मेदार हैं तो इसके परिणाम भुगतने को तैयार रहें। मुझसे सवाल पूछा गया था कि क्या आप चीन पर गुस्सा होंगे। इसका जवाब एक बड़ा हाँ हो सकता है। एक गलती की वजह से चीजें नियंत्रण से बाहर होने और कुछ जानबूझकर करने में अंतर है। दरअसल व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर तीखा हमला बोला, कोरोना वायरस को लेकर चीन के रवैये से नाराजगी जताई, सीधा कह दिया कि कोरोना वायरस के संक्रमण जानबूझकर फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो चीन को नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते पर विचार करने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने कह डाली। अमेरिका को दोनों ही हालत में जानकारी देनी चाहिए थी। अमेरिका ने शुरुआत में ही जानकारी मांगी, लेकिन कुछ नहीं बताया गया। उन्हें पता था कि कुछ बुरा हुआ है और उन्हें बताने में शर्म आ रही थी। खास बात यह है कि कोरोना संकट से लड़ रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी व्हाइट हाउस ने सीधा जवाब दे डाला है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि कोरोना वायरस को छिपाने और कवर अप के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को तब तक फंड नहीं दिया जाएगा जब तक कोरोना वायरस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती है। ट्रंप ने कोविड-19 को लेकर चीन के रहस्यमय अंदाज, उसकी खामोशी, कोरोना महामारी से जुड़े तथ्यों को छिपाने के लिए हमले तेज कर डाले हैं। चीन में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के आंकड़ों पर यकीन नहीं करने की बात भी अमेरिकी प्रशासन ने कही है। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान उस वक्त सामने आया है जब चीन ने वुहान में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या में 50% का इजाफा कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन की माने तो चीन मौतों पर झूठ बोल रहा है। खास बात यह है कि अमेरिका ने दावा किया है कि कोरोना संकट के बावजूद कुछ दिनों में ही देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। सभी राज्यों को ओपनिंग अप अमेरिका अगेन को लेकर गाइडलाइंस भेज दी गई है। बता दें, कोरोना वायरस से अमेरिका बुरी तरह प्रभावित है। अमेरिका में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अमेरिका का सारा गुस्सा चीन पर निकल रहा है। अब ट्रंप ने जिस तरह से चीन को परिणाम भुगतने की धमकी दी है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस को लेकर चीन पर कई प्रतिबंध लगने तय हैं। इस खबर में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए प्रभातखबर.com के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।